का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से दो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाले गए हैं नंबर वन क्लास टेंथ ट्वेल्थ एनुअल प्राइवेट बाय एनुअल सेशन 2020 थाउजेंड के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके कुछ एग्जामिनेशन जो पोस्टपोन किए गए थे जेके बोस ने इस नोटिफिकेशन के जरिए उनको फिर से रीशेड्यूल का जो शेड्यूल है वो जहाँ पे निकाला है उसको हम जहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं नंबर टू जहाँ पे क्लास इलेवेंथ जो कि कश्मीर डिवीजन के स्टूडेंट हैं उनके जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म है वो कब से फिल किए जा रहे हैं उसका पूरा जितना भी प्रोसेस है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नंबर वन जहाँ पे आप देख सकते हैं दी जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन न्यू कैंपस वेमीना श्रीनगर नोटिफिकेशन जहाँ पे आप देख क्लियरली देख सकते हैं इट इज हेयर वाई नोटिफाइड फॉर द इफॉर्मेशन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स इन जनरल एंड कंसर्न एग्जामीज इन पर्टिकुलर्स दैट एग्जामिनेशन ऑफ अर्लियर पोस्टपोन की जो एग्जामिनेशन जे के बोस के द्वारा पोस्टपोन किए गए थे कुछ सब्जेक्ट्स के उनको जहाँ पे जेके बोस के द्वारा दोबारा से रीशेड्यूल किया गया है चाहे हम क्लास टेंथ की बात कर लें चाहे क्लास ट्वेल्थ की बात कर लें सेशन एनुअल प्राइवेट बाई एनुअल टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन हैज़ नो वी रीशेड्यूल्ड एज पर बिलो मैंशन प्रोग्राम एट द सेम वेन्यू टाइम ऑलरेडी नोटिफाइड इन द डेट शीट तो जहाँ पे आप देख सकते हैं जो टाइम है वो पहले से ही डेट शीट में जो रहेगा वही रहेगा तो जहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन क्लास टेंथ के जो एग्जामिनेशन जो पोस्टपोन किए गए थे जिनको शेड्यूल किया गया है अब आपका जो एग्ज़ामिनेशन जो होगा वो उन्नीस सेप्टंबर को होगा उसमें जो सब्जेक्ट रहेगा एडिशनल जो कि ऑप्शनल जिसमें कश्मीरी पंजाबी उर्दू हिंदी पर्शियन अरेबिक कंप्यूटर साइंस और टाइमिंग आप जहाँ पर देखते हैं ट्वेल्व थर्टी पी इसी तरह अगर हम क्लास ट्वेल्थ की बात करें हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पार्ट टू क्लास ट्वेल्थ तो फ्राइडे यानी कि ट्वेंटी फोर्थ ऑफ सेप्टेबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन को आपका जो एग्जामिनेशन दोबारा से रीशेड्यूल किया गया है आई एंड आई रिटेल हेल्थ केयर टूरिज़म टाइमिंग जो रहेगा वो टू पी रहेगा इसी तरह छब्बीस सेप्टंबर ट्वेंटी सिक्स को आपका जनरल इंग्लिश रहने वाला है और टाइमिंग आपकी रहेगी तो जहाँ पे आप देख सकते हैं आपके लिए ये अपडेट बात करेंगे जो कि क्लास इलेवंथ रेगुलर इस समय कश्मीर डिवीजन में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन फिल किए जाएंगे वो कब से किए जाएंगे उसके बारे में जितनी भी इंस्ट्रक्शन है वो जहाँ पे दी गई हैं जिसको हम वन बाई वन जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट में आप देखेंगे शेड्यूल फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ परमिशन कम एडमिशन फॉर्म जिसको हम एग्जामिनेशन फॉर्म कहते हैं हायर सेकेंडरी पार्ट फर्स्ट क्लास इलेवंथ फॉर एनुअल रेगुलर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एग्जामी देख सकते हैं इट इज हेयर वाई

And suing annual regular 2021 examination that the process of online submission of permission come admission form just come examination form shall be available through JKBos website www.jkbose.nic.in as per below notified schedule. जिसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो भी बना चुका हूं कि आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को खुद कैसे फिल कर सकते हैं सबसे पहले हम शेड्यूल जानेंगे सबमिशन ऑफ परमिशन का एडमिशन फॉर्म जो कि क्लास इलेवंथ एनो रेगुलर टू आपकी जो फी रहेगी जहां पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट विद फाइव सब्जेक्ट आपको वन थाउजेंड फोर्टी रुपी पे करना होगा डेट ऑफ ओपनिंग लिंक जेके बोस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो लिंक लाइव होगा वो ट्वेंटी थर्ड सेप्टेम्बर से लाइव हो जाएगा डेट ऑफ क्लोजिंग लिंक जहाँ पे आप देख सकते हैं ट्वेल्थ ऑफ अक्टूबर टू को लिंक क्लोज भी हो जाएगा मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया

स्टूडेंट लॉग इन विंडो ऑब्लिक ऑफिस लॉग इन विंडो तो जहाँ पे बताया गया कि जो भी बच्चे हैं वो अपना एग्जामिनेशन फॉर्म अपनी वैलिड ईमेल आईडी से फिल कर सकते हैं आप स्टूडेंट लॉग इन करना होगा आपको अगर आप ऑफिस इंचार्ज हैं तो आप अपने ऑफिस स्कूल अकाउंट से भी बच्चों के जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं स्टेप नंबर सी में जहाँ पे कहा गया है आफ्टर सेलेक्टिंग द एग्जामिनेशन फॉर्म ऑप्शन रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट इज टू बी एंटर्ड सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना होगा जैसे आप उसमें क्लिक करेंगे तो आपका डाटा फेच हो जाएगा उसके बाद बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको वहाँ पे फिल करनी होगी करेक्टली डी स्टेप में कहा गया है इन केस नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द इंटरनेट फैसिलिटी टू द कैंडिडेट अगर कैंडिडेट के पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है तो ये स्कूल की जिम्मेवारी बनेगी कि बच्चे का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो फिल किया जाएगा विदाउट एनी अडिशनल अमाउंट उसके सबसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे नंबर आप स्टेप नंबर ई में आप देख सकते हैं डिसेबल्ड कैंडिडेट अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसकी डिसेबिलिटी फिफ्टी परसेंट जहाँ उससे ज़्यादा है तो ऐसे में उसकी जो फ़ी होगी वो एग्जाम्ट होगी तो ऐसे केस में बच्चे को अपना जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो भी प्रोड्यूस करना होगा तो जहाँ पे आप देख सकते हैं एफ स्टेप में जहाँ पे कहा गया है द कंसर्न हेड ऑफ द एफिलेटेड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन शैल वेरीफाई एंश्योर द सब्जेक्ट ऑप्टेड एंड पर्टिकुलर्स फील्ड इन आर जेन्यून एंड स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डिंगस

के पास इस डाटा को फॉरवर्ड करने से पहले इस डाटा को पुश करने से इंस्टीट्यूशन को स्ट्रिक्टली चेक करना होगा कि बच्चे के द्वारा जितनी भी इंफॉर्मेशन फिल की गई है वो जेन्यून चाहिए स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस टू द रिन्यूअल आरआर जैसे कि आपका रिन्यूअल आरआर फिल किया गया है और एडमिशन रिकॉर्ड बिफोर फॉरवर्डिंग दीज ऑनलाइन टू द जेके बोस जेके बोस के पास इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करने से पहले आप अपने एंड पे इसको प्रॉपरली चेक कर लें नंबर जी की बात करें तो जहां पर आप देख सकते हैं दी हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन आर इंस्ट्रक्ट टू सबमिट द एग्जामिनेशन फॉर्म ऑफ ओनली दोज कैंडिडेट्स डमिक सेशन टू थाउजेंड ट्वेंटी सबमिटेड इन द रिस्पेक्टिव जेके बोस ऑफिस तो जहाँ पे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन उन्हीं बच्चों को इंस्ट्रक्शन देंगे एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की जिनका रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन रिटर्न जो कि जेके बोस के पास सबमिट हो चुका है तो so, जहाँ पे आप, आप इस पूरे नोटिफिकेशन को थारोली स्टडी कर सकते हैं इन ऑफ दैट अगर आपके मन में कोई भी क्वायरी रहेगी आओ मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना डेफिनेटली आपकी इसके ऊपर हेल्प की जाएगी इसी तरह की वीडियो की अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले समय में जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हों उनकी नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आप तक पहुंचे थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक केयर मिलते हैं जल्दी एक न्यू अपडेट के साथ